वेलकम फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। और मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हूँ। आज हम बात करने वाले हैं फंजीसाइड के ऊपर कि पौधों में किन किन रोगों में इनका हम प्रयोग कर सकते हैं और कब कब जो हमारे पत्तों में या हमारे तनों में जो सिम्टम्स दिखाई देते हैं उनके साथ में कब इनका यूज़ किया जा सकता है और किस तरीके से हम पौधों को बचा सकते हैं। तो उससे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जो है ये दो तरह के फंजीसाइड आपके सामने आज लेकर के आए हैं। एक तो है केमिकल फंजीसाइड और दूसरा है ऑर्गेनिक फंजीसाइड। तो चलिए पहले बात करते हैं हम केमिकल फंजीसाइड के ऊपर। ये हमारा जो है सिस्टमैटिक और कॉन्टैक्ट फंजीसाइड दोनों ही है। सिस्टमैटिक फंजीसाइड वो फंजीसाइड होते हैं जो कि पौधे के साथ में उसके प्रतिरक्षा तंत्र में मिल करके पौधे को सुरक्षा प्रदान करते हैं और अंदरूनी जो फंगस के अटैक होते हैं वो दूर करते हैं। और जो हमारा कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है वो हमारे बाहरी आवरण, यानी कि पौधे के जो बाहरी आवरण होता है, यानी कि तले की छाल हो गई या पत्तियां हो गई, उन पे जो सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं उनमें हम कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं। तो ये जो मैंने लिया हुआ है ये शिवालिक कॉर्पोरेशन का एक है फंजीसाइड। तो इसमें 12% कार्बोजेंडियम है और 63% मैंकोजेब है। तो जो मैंकोजेब होता है वो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होता है और कार्बोजेंडियम जो होता है वो हमारा सिस्टमैटिक फंजीसाइड होता है। तो हम इनको तब यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं ज़्यादातर अडेनियम और कैक्टस में इनको यूज़ करता हूँ। तो जब भी आपका जो सीज़न होता है बरसात का होता है या जो सर्दियों का सीज़न होता है, इनमें अक्सर जो होता है पौधों में काफ़ी ज़्यादा फंगस की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। जैसे हमारा अभी विंटर का सीज़न आने वाला है तो उसमें फंगस की जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाएंगी। तो हमें क्या करना होता है कि इनका लगभग हर 15 दिन के अंदर 25 ग्राम जो फंजीसाइड होता है उसको 15 लीटर पानी में घोल करके ऊपर से स्प्रे करते हैं, जिससे कि जो है एक उनके ऊपर एक आवरण सा बन जाता है फंजीसाइड का। तो जो भी फंगस के जो अटैक होते हैं, जो भी मतलब ठंड के मारे जो फंगस पनपने लगती हैं वो नहीं पनप पाती हैं। और जो जड़ों के पास में, यानी कि कॉन्टैक्ट फंजीसाइड के अलावा जो हमारा सिस्टमैटिक काम करता है वो जड़ों के द्वारा करता है। तो जड़ों में जो हमारे रूट गलन का प्रॉब्लम होने लगता है, या जैसे मान लीजिए कभी ज़्यादा पानी अगर आपने दे दिया सर्दियों में तो पौधे की रूट्स जो होती हैं वो सड़ने लगती हैं, तो उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए हम सिस्टमैटिक और ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का यूज़ करते हैं। दूसरी चीज़ ये है, ये हमारा है ऑर्गेनिक फंजीसाइड। ये एक्चुअली ट्राइकोडर्मा है। ट्राइकोडर्मा खुद ही एक तरह का फंगस होता है जो कि मिट्टी के साथ में मिल करके हमारे जो मिट्टी के अंदर जो फंगस के स्पोर्स होते हैं उनको धीरे धीरे करके ख़त्म कर देता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप अगर सॉइल मिक्स बना रहे हैं तो सॉइल मिक्स बनाते टाइम में ही आप जो है इसको यूज़ कर लें, जिससे कि आगे चल के आपको ये केमिकल फंजीसाइड का प्रयोग ना कम से कम करना पड़े। ना तो नहीं बोल सकता मैं, लेकिन हाँ कम से कम आपको करना पड़ सकता है। इसको प्रयोग करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि हम अपनी जो मिट्टी बना रहे हैं, सॉइल मिक्स जो बना रहे हैं, जैसे कि अगर हमने अगर बालू मिट्टी ली है, यानी कि 50% बालू ली है और 50% मिट्टी ली है, उसमें हमने कम से कम जो है 10% के आसपास कंपोस्ट भी मिलाई हुई है, तो उसमें हमें एक चम्मच जो है ये ट्राइकोडर्मा का मिला देना है। और ट्राइकोडर्मा का मिलाने के बाद में एटलीस्ट कम से कम 24 घंटे का उसको जो है हमें अंतर रखना होगा पॉटिंग करते टाइम पे। यानी कि अगर हम पॉटिंग में मिक्स में इसको यूज़ करने वाले हैं तो हमें क्या करना है, हमें इसको सबसे पहले 24 घंटे के लिए छोड़ देना है पॉटिंग मिक्स में मिला करके, जिससे कि इसके अंदर जो फंगल के स्पोर्स हैं, एक्चुअली जो ट्राइकोडर्मा होता है वो फंगल के स्पोर्स ही होते हैं एक तरीके से। तो जब इनको हम उसमें मिला करके रख देंगे तो 24 घंटे के अंदर ये और ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे। तो जब डेवलप हो जाएंगे तो उसके अंदर जो फंगस होंगी, जो बैड फंगस होती है हमारी, उसको वो धीरे धीरे करके ख़त्म कर देगा और हमारी जो सॉइल होगी वो अच्छे से ट्रीटेबल हो जाएगी। वैसे तो सॉइल को अगर आपको ट्रीट करना है तो आप उसको अगर 24 घंटे के लिए धूप में भी छोड़ देंगे तो भी वो ट्रीट हो जाती है, लेकिन उतनी सुरक्षा आपको नहीं मिलेगी। तो हम ट्राइकोडर्मा का यूज़ भी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये, जैसे कि अब आपको इनको कब कब यूज़ करना है, मतलब कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें पौधे में फंजीसाइड वगैरह देने की ज़रूरत है। तो हमें जब कभी भी देखना हो आपके पौधे में पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ के, नई पत्तियाँ जो हैं वो पीली पड़ के गिरने लग रही हैं, या आपकी पत्तियों में स्पॉट्स हो रहे हैं छोटे छोटे से, या आपके जो तने हैं तने में आपके ब्राउनिश आपको जो है स्किन दिखने लगे उसकी, मतलब आप अगर उसको घिसें या घिसने के बाद में जो है, या आप उसको हल्का सा स्क्रैच भी करेंगे तो उसमें आपको ब्राउन कलर के जो है वो दिखने लगे, या अगर आपके पौधा एकदम से सूखने लगे, या आपके पौधे में पानी ज़्यादा हो जाए, पानी ज़्यादा होने के बाद में आपके जो है पत्तियाँ हैं वो गिरने लगें, तो तब हमें जो है इनका यूज़ करना है।
वैसे तो आपको सर्दियों में मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सर्दियों और बरसात के टाइम में आपको हर 15 दिन के अंदर एक बारी फंजिसाइड का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए, जिससे आपके पौधे जो हैं वो फंगस के अटैक से दूर रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको फंजिसाइड संबंधित कोई भी समस्या हो या आपको कोई भी इसके बारे में जानकारी चाहिए हो तो जो नीचे कमेंट बॉक्स है उसमें आप लिखना अपने क्वेश्चन को ना भूलें। मैं हर एक क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करता हूँ और ज़रूर दूंगा मैं आपको क्वेश्चन का जवाब। और अगर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको जल्द से जल्द मिलेंगी। धन्यवाद।